चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान की जिस शाखा में विटामिन के संबंध में अध्ययन करते हैं उस शाखा को कहते क्या हैं। तो जिस ब्रांच में हम विटामिन के संबंध में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं विटामिनोलॉजी, मतलब विटामिनोलॉजी क्या है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें विटामिन के संबंध में अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज की थी लुनिन ने। लेकिन लुनिन के साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि विटामिन को खोजा, उसके बारे में बताया, उसका स्ट्रक्चर बताया, बट उसका नामकरण संस्कार, जैसे हिस्ट्री में पढ़े होंगे ना एंशिएंट हिस्ट्री में कि नामकरण संस्कार 16 संस्कार होते हैं, तो विटामिन का नामकरण यानी द टर्म विटामिन जो है ये इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए कौन, लुनिन। एंड द टर्म विटामिन इंट्रोड्यूस बाई फंक, यानी विटामिन शब्द का प्रयोग, विटामिन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो फंक ने किया था। तो दो अलग अलग फैक्ट हो गए, ध्यान रखिएगा। विटामिन की खोज किसने की थी, लुनिन ने की थी। विटामिन टर्म इंट्रोड्यूस किसने किया था, फंक ने किया था। देखिए विटामिन हमारे शरीर में हमको ऊर्जा नहीं देते, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर ऊर्जा नहीं देते तो करते क्या है, तो इट एक्ट्स इन आवर बॉडी लाइक रेगुलेटर्स, ये हमारे शरीर में रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। जैसे आप अपने घर में होंगे बैठे हुए तो पंखे का रेगुलेटर होता होगा, तो पंखे के रेगुलेटर का क्या काम होता है कि पंखे की स्पीड को आपकी आवश्यकता अनुसार बढ़ाए या कम करें। वैसे ही ये जो रेगुलेटर्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, हमारी आवश्यकता अनुसार कुछ प्रक्रियाओं की गति को बढ़ाते या कम कराते हैं। करता क्या है ये रेगुलेटर जो है, ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है। किस आधार पर कंट्रोल करता है कि यह इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है, यानी जो विटामिन होता है वो अक्रिय एंजाइम को अकॉर्डिंग टू नीड अकॉर्डिंग टू टाइम वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, एक्टिव एंजाइम। देखिए विटामिन जो होते हैं इनको दो क्लास में क्लासिफाइड किया जाता है, विटामिन जो है इसको दो क्लास में क्लासिफाइड किया जाता है, कौन कौन से, तो आप जानते हो पहले से, एक होता है वसा में घुलनशील वाटर सॉल्युबल, और ये वसा में घुलनशील मतलब होता है फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील, और दूसरा होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील मींस फैट सॉल्युबल, जल में घुलनशील मींस वाटर सॉल्युबल। चार विटामिन होते हैं जिन्हें आप जानते हैं, ए डी ई के, एडेक, ये होते हैं वसा में घुलनशील, और बी और सी जो होता है वह होता है जल में घुलनशील। अब यहां दो चार बातें आप अच्छी तरह से पहले ही समझ लीजिए, जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं इनकी हमें डेली रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम एक या दो दिन के गैप पर भी खाएं तो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में कुछ समय तक संचित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, इसलिए हम एक दिन या दो दिन के गैप पे भी खाते रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये जो जल में घुलनशील विटामिन है ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो पाते हैं, अगर ये हम जरूरत से ज्यादा इंटेक करें कंज्यूम करें तो क्या होगा, ये वाटर एक्सक्रीशन, जैसे वाटर एक्सक्रीशन कहां से होता है, स्वेट पसीने से होता है, यूरिन मूत्र के द्वारा, यानी इन सभी माध्यम से ये हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। इट मींस ये हुआ कि आपको जल में घुलनशील विटामिन जो है वो रोज खाना चाहिए, और वो कौन कौन से होते हैं, बी और सी।
अब एक चीज यहां पे हम लोग और समझ लेते हैं कि अभी पीछे हमने देखा कि वसा की कमी होने पर शरीर में विटामिन की भी कमी हो जाती है, हमने बताया था और कहा था कि हम आपको अभी थोड़ी देर बाद आगे जब विटामिन शुरू होगा तो वहां एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां समझिएगा कि अगर शरीर में फैट नहीं है तो ये विटामिन ए डी ई के ये अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करेंगे। इट मींस कि इनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए चाहिए क्या होगा, फैट चाहिए होगा। और जब आपके शरीर में फैट की डेफिशिएंसी है, वसा की कमी है, तो ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बीसी तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ या हमारे घरों में ट्रेजेडी क्या होती है कि हम आप जो है जब ये विटामिन्स अलग से रोज तो लेते नहीं, हमारे सब्जियों फलों इन्हीं सब में मिलता है। तो आप अपने घर में देखिएगा कि जब ये सब्जी काटी जाती है तो हम सब्जी को पहले अच्छे से छील देते हैं, फिर उसको कट कर लेते हैं, फिर सिंक में ले जाके अच्छे से रगड़ रगड़ के 3-4 बार धुलते हैं। क्या हुआ कि जो विटामिन हमारे शरीर में जाके हमारे इन एक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करने वाला था, अब वो क्या हाँ पहुंच गया, 3-4 बार रगड़ रगड़ के धुल रहे हो पानी में, तो पानी में घुल के पहुंच गया नाली में, और वो नाली के कीड़े मकोड़ों के इन एक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो मजबूत हो रहे हैं, हमें आपको परेशान कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब दिमाग में आपके आगे सर फिर क्या करें, हम सब्जी बिना धोए काटे खाएं? जी नहीं, सब्जी को धुल लीजिए फिर छीलिए काट के बना लीजिए, या बहुत सारी सब्जियां होती हैं छीलने के बाद भी धुलने की जरूरत पड़ती है तो धुल लीजिए। कभी भी सब्जियों को काटने के बाद धुलना नहीं चाहिए, और काटने के बाद धुलोगे तो मैक्सिमम पानी में चला जाएगा। और एक ट्रेजडी होती है, जैसे आपके घर में भिंडी बनती होगी तो आप पहले ही कह देते हो क्रंची बनेगी तो खाएंगे, लिसलिसा होगा तो नहीं खाएंगे। इट मींस आपको डीप फ्राई करना होगा, और यहां विटामिन सी जो है ये जैसे ही गर्म करते हो नष्ट हो जाता है। मींस कुछ तो वसा की कमी हो गई, मिला नहीं, जो मिलने वाला था वो उसको हमने लिया नहीं। इसीलिए इंडियन सिनेरियो में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि डेफिशिएंसी ऑफ फैट कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिंस, यानी वसा की कमी होने पर हमारे शरीर में विटामिन की भी कमी हो जाती है। अब समझते हैं यहां से पूछा क्या जाता है। तो यहां से पूछा जाता है, विटामिन का नाम दे देता है और उसके डेफिशिएंसी डिजीज को पूछ लिया जाता है। कभी कभी विटामिन का केमिकल नेम देता है और डेफिशिएंसी डिजीज देता है, कहता है मैच द कॉलम। तो इन सब तरह के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको जानना होगा कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में काम क्या करता है, तभी आप क्या करोगे, चीजों को कैरी कर पाओगे, एग्जाम में सही कर पाओगे। तो यहां ध्यान रखिएगा, हर विटामिन के लिए अलग अलग स्पेसिफाइड चीज तो होगी, बट मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। अगर एक फ्रेम, एक कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूं अगर आप समझ गए और अपने दिमाग में रख पाए, तो एग्जाम में बहुत कुछ याद नहीं करके गए हो तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे आपको पता चल जाए कि विटामिन ए आपके राइट हैंड में काम करता है, तो विटामिन ए की कमी से आपके राइट हैंड से संबंधित ही बीमारी होगी, पैर से संबंधित तो होगी नहीं। तो इसलिए हम लोग अब एक फ्रेम बनाने जा रहे हैं, एक मोटे तौर पे देखने जा रहे हैं कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में फंक्शन कहां करता है, किस प्रकार करता है। तो उसकी कमी से उसी अंग से संबंधित रोग होगा, तो 4 ऑप्शन में से अंग से संबंधित रोग खोजना आसान हो जाता है। ठीक, चलिए हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहले समझिएगा, ए फॉर आई मींस इसका हुआ कि विटामिन ए जो है मैक्सिमम टाइम हमारी आंखों से संबंधित कार्य करता है। इट मींस कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई, विटामिन ए कम हुआ, तो अधिकतम समय आप देखोगे कि आंख से संबंधित रोग होता है। उसी तरह समझते हैं दूसरा, बी फॉर बी। बी मींस हनी बी, हनी बी मींस मधुमक्खी। तो जिस तरह से मधुमक्खी बहुत एनर्जेटिक होती है और ये शहद बनाती है वो भी बहुत एनर्जेटिक होता है, तो उसी तरह से तो विटामिन बी जो होता है वो एनर्जी से रिलेट करता है। मींस विटामिन बी की अगर डेफिशिएंसी हुई, कमी हुई, तो हमारे शरीर में जो भी रोग होगा उसका मेन सिम्टम होगा एनर्जी डेफिशिएंसी, ऊर्जा की कमी, यानी हम बहुत अधिक थकान महसूस करेंगे, कमजोरी महसूस करेंगे। और होगा क्या एक्चुअल, जब हम लोग एक एक विटामिन डिटेल करेंगे तो अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग एक फ्रेम बना रहे हैं कैसे एडजस्ट करना है। तो ए फॉर आई,
बी फॉर बी, सी फॉर कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी बिटवीन बोन्स एंड ब्लड एंड मसल्स। आप जानते हो कि रक्त जो है हड्डियों में बनता है, वाहिनियों द्वारा मांसपेशियों में पहुंचता है जहां उसकी जरूरत है, तो इन सब के बीच एक कनेक्शन होता है। अगर ये कनेक्शन डिसबैलेंस हुआ तो ब्लड क्या होता है, लीक करने लगता है। जैसे देखो विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग इन गम्स, यानी मसूड़े में से रक्त निकलने लगता है। तो रक्त निकलना चाहिए नहीं, कनेक्शन कनेक्टिविटी गड़बड़ हुई तो ये रक्त निकलने लगा। तो ध्यान रखिएगा सी फॉर कनेक्टिविटी। डी फॉर डेवलपमेंट, डी फॉर डेवलपमेंट, यानी विटामिन डी जो है हमारे डेवलपमेंट वृद्धि विकास से संबंधित है। और किसकी वृद्धि विकास से संबंधित है, हमारे शरीर की हड्डियों के वृद्धि विकास से संबंधित है। तो अगर विटामिन डी कम होगा तो हड्डियों से संबंधित रोग होगा। ई, ई फॉर होता है इम्यूनिटी। ध्यान रखिएगा कोरोना में विटामिन सी तो इम्यूनिटी के लिए सभी लोग खाए, लेकिन ई भूल गए। विटामिन ई जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। और एक्चुअली ये फंक्शन कहाँ करता है, ये एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसीलिए आप याद रखिएगा ई फॉर इम्यूनिटी। इसके बाद बचा क्या, के, के फॉर क्लॉटिंग, यानी विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के की कमी हुई तो ब्लड क्लॉटिंग में डिले होगा।